जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। विधानसभा चुनाव से पहले ये योजना कांग्रेस के 5 चुनावी वादों में से एक था, शक्ति योजना। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने रविवार 11 जून 2023 को शक्ति योजना के तहत कर्नाटक सड़क पर महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा योजना यानी शक्ति योजना शुरू किए। महिलाओं को अपना आधार कार्ड अपने साथ रखना होगा और सिर्फ कर्नाटक के बस में ही सफर कर सकते हैं, दूसरे इंटर स्टेट बस में नहीं, जैसे कि महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना और दूसरे राज्य के बस में बैठकर सफर नहीं करना है। ये योजना केवल कर्नाटक के बसों में सफर करने के लिए बना है। इसी तरह गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट सेडम तालुके में भी शक्ति योजना महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसमें चीफ गेस्ट रहे डॉक्टर भाग्यश्री पाटिल और साथ ही कांग्रेस के लीडर्स, कॉरपोरेटर, कार्यकर्ता, ये सब मौजूद रहे इस खास मौके पे। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट टीम पठान सुफियान खान, मिस्टर एस के एजाज अहमद सेडम जर्नलिस्ट के साथ। ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕ ತಾಯಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಿನ ಇವತ್ತು. ನಾವೇನು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಕೇಳಿರೋ ಮಾತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಪೂರೈಸುವ ದಿನ, ಅದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ದಿನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ದಿನ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದರ ಲಾಭ ತಾಯಂದಿರಲು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ತಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.